28 अक्टूबर का बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा का समापन होगा और रांची के हरमू मैदान में 6 विधानसभा क्षेत्रों की संयुक्त सभा होगी। संकल्प यात्रा के समापन पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे और इसे लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। खास रिपोर्ट देखिए। संकल्प यात्रा के समापन में नड्डा भरेंगे हुंकार। रांची के हरमू मैदान में समापन पर होगी सभा। बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा के समापन को बीजेपी भव्य बनाने की तैयारी में है। संकल्प यात्रा के समापन पर रांची के हरमू मैदान में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। 6 विधानसभा क्षेत्रों के इस संयुक्त सभा में न सिर्फ संकल्प यात्रा का समापन होगा बल्कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत संग्रहित मिट्टी के कलश को जेपी नड्डा को सौंपा जाएगा। जुड़ी हुई माटी को संग्रह करके लोग यहाँ से कलश लेकर आएंगे सभी जिलों से। उस कलश को लेकर के यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ में सौंपेंगे। वही कलश दिल्ली जाएगी और प्रधानमंत्री जी एक वाटिका का निर्माण कर रहे हैं और अमृत काल में अमृत वर्षा होगी इस देश में विकास के मामले में, उसका भी संकल्प इस कार्यक्रम में। इसके और साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आए तो कह सकते हैं सोने में सुगंध। संकल्प में नड्डा भरेंगे हुंकार। 28 अक्टूबर को बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा का समापन। रांची के हरमू मैदान में 6 विधानसभा क्षेत्रों की होगी संयुक्त सभा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। 17 अगस्त को शुरू हुई थी बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा। राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में बाबूलाल की संकल्प यात्रा। हालांकि कांग्रेस ने बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा को फ्लॉप बताया है, साथ ही कहा है कि भीड़ कम होने के डर से संकल्प यात्रा के समापन के लिए हरमू मैदान को चुना गया है। राज्य के फ्लॉप नेता का संकल्प यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के दरकिनार किए हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष शिरकत कर रहे हैं। हमें यह लगता है कि संकल्प यात्रा को राज्य की जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। सिर्फ राज्य की जनता ही ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी नकारा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इस यात्रा को नकारा है और ये एक डर है, ये एक भय है कि संकल्प यात्रा के अंतिम पड़ाव में कहीं भीड़ इकट्ठी ना हो। 8 चरणों में बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा चली। ये यात्रा सभी विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी। 2024 में लोकसभा चुनाव के अलावा विधानसभा चुनाव भी होना है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या संकल्प यात्रा से सत्ता मिलेगी। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश और राजेश कुमार की रिपोर्ट। अट्ठाईस अक्टूबर तक के 8 चरणों में बीजेपी के संकल्प यात्रा चली है और ऐसे में संकल्प यात्रा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें हुंकार भरने वाले हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता राजेश जुड़ रहे हैं। राजेश, देखिए 17 अगस्त से संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई, हमने देखा किस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जनता से जुड़ने की कोशिश की है और जब 28 अक्टूबर को इसका समापन होगा उस वक्त भी वो भव्य तस्वीरें हम देखेंगे जब आगामी चुनाव को लेकर ये पूरी रणनीति बनाने की जो तैयारी है वो हरमू मैदान में हमें देखने को मिलेगी। देखिए, बीजेपी का एक बड़ा कार्यक्रम है प्रदेश। बीजेपी ने इस कार्यक्रम को इसलिए डिजाइन किया है ताकि जो कुछ महीने बाद लोकसभा का चुनाव होगा और उसी साल रूप से डिजाइन किया गया है कि एक माहौल बने जो कि 81 विधानसभा क्षेत्र में दो तरह संकल्प लेकर आप कहें लक्ष्य कहें वो है। एक तो यह है कि संगठन को पूरी तरह से एक्टिवेट है कि चुनाव के मद्देनजर पार्टी को तैयार करना है और इस यात्रा के दौरान जहां भी वह यह कि राज्य की
की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाना, और क्योंकि माहौल बनाते विपक्ष मजबूती विपक्ष में है तो जाहिर सी बात है सरकार की कमियां नाकामियों को उजागर करना, जनता के बीच रखना, ये उसका धर्म भी बनता है और वह हर उसका धर्म भी बनता है और वह हर विपक्ष ये करता है। तो इसी कड़ी में आप देखें कि ये कार्यक्रम जो है पूरे प्रदेश में आयोजित हुआ है, अब इसका समापन समारोह होने वाला है 28 तारीख को हरमू मैदान में। पार्टी ने लगभग 20,000 लोगों की गैदरिंग का लक्ष्य रखा है, क्योंकि यह विधानसभा बार हो रहा है और हरमू में जो कार्यक्रम होने वाला है यह 6 विधानसभा क्षेत्र के लिए है, क्योंकि 72 जगहों पर कार्यक्रम हो चुके हैं। झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं और कल बागमारा में और परसों ईचागढ़ और सिल्ली में है। तो रांची का जो कार्यक्रम है उसमें जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो आएंगे। बाबूलाल मरांडी ने आग्रह किया था उनसे कि वो समापन समारोह में आए, इसलिए पार्टी ने इस कार्यक्रम को बड़ा बनाया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने जाहिर सी बात है कि पूरे प्रदेश में वो भी इस कार्यक्रम होगी लोगों की और सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ताकि देखिए ये इस माहौल को एक तो मोमेंटम बनाना है, दूसरी बात सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए जनता को अपने पक्ष में करने का लक्ष्य है, ताकि इसका राजनीतिक लाभ लोकसभा चुनाव में भी मिले और फिर विधानसभा के चुनाव में बने। यही पार्टी कुछ संकल्प लेकर इस कार्यक्रम को बनाई थी और अब उसका समापन हो रहा है। जाहिर सी बात है कि पार्टी बहुत अपेक्षा किए हुए है कि इस कार्यक्रम का कहीं न कहीं एक अच्छा पूरे प्रदेश में एक अच्छा माहौल बना है बीजेपी के पक्ष में। सुष्मिता बिल्कुल राजेश, देखिए यही मकसद रहा बीजेपी के इस संकल्प यात्रा का, ताकि ये प्रभाव जो है वो जनता के बीच बना सके, और शायद इसी वजह से बाबूलाल मरांडी जनता के बीच गए और उनसे जुड़ने की कोशिश की है। चलिए तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।